तो हजरत आज भी कुछ इसी कस्म का सवाल है कि तसवु से मुतक़ कि हज़रत हम देखते हैं कि तसव का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है तसवर का तसवर है वो ये है कि अपने दिल को पाक साफ करना और उसको बिल्कुल शफाफ बनाना ताकि दिलों में अल्लाह आ जाए तो हज़रत यही कुछ तसवुर दूसरे मजाहब में भी है इस इसाइत में और हिंदू मत में और जुदाइज़म में कि अपने दिल को पाक साफ करने की वो भी कोशिश कर रहे होते हैं और किसी हद तक वो कर भी जाते हैं पाक साफ लेकिन जो

भाई बात भी दो साफ बर्तन हो एक आदमी साफ बर्तन के अंदर गाय का दूध डाले जी। दूसरा साफ बर्तन में गधी का दूध डाले तो नफ सिर्फ साफ बर्तन होने से तो कोई फायदा नहीं हुआ ओ, जो डाला है फैसला तो उस उसपे है जी, जी, तो जिसने गाय का दूध डाला तो वो तो अकलमंद है बर्तन भी साफ किया दूध भी गाय का डाला जी, जी, दूसरे बर्तन साफ किया दूध अंदर गधी का डाल दिया जी, तो जो क्या हराम ना पाक ठीक है बात वही है तो बिल्कुल इसी तरीके से बात प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट काफी नहीं है क्यों प्योर करने के बाद उसमें अब डालना क्या है अब ये लोग जो उसके अंदर जो डाल बैठते हैं वो वो डाल बैठते हैं जिसको वो हक समझते हालांकि वो शिरक होता है ओह अच्छा अच्छा इसलिए तो वो जवालीन है ईसाइयों को जालीन कहा ये भटके हुए हैं का इन पर अल्लाह का गजब है तो गोया कि ये भटके हुए हैं ये शफाफ करके भी ऐसी चीज़ डाल बैठते हैं कि जो चीज़ जो है उसमें डालने की नहीं है बस शिरक है मासीत है बेदत है कुफर है लेकिन मोमिन मुस्ल्म मुसलमान और मोमिन जो है ये ईमान की बरकत से ईमान सही की बरकत से उस दिल को साफ़ करके वो अल्लाह तबारक व की सच्ची मोहब्बत ही डालता है तभी अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता ये फ़र्क है और इसकी बुनियाद ईमान है ईमान सही अब पहली कौमे जो है जिनके दीन जो मनसूख हो चुके हैं किताबें उनकी मनसूख हो चुकी हैं उनको ज़ाहिर है कि कुरने करीम पर ईमान लाना चाहिए उनको नबी करीम शुर्ण 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 को आखिरी नबी मानना चाहिए तो ईमान सही जब उनको हासिल हो जाएगा अब सही ईमान के नतीजे में वो जो है वह अपने कलब के प्याले के अंदर सही चीज़ डालेंगे बिल्कुल तो बात असल भी है तो सिर्फ उसके अंदर बस ऐसे जैसे घर के अंदर एंटर होना है एक एंटर होने के लिए दरवाज़ा है दरवाजे से आप इंटर हो रहे हैं जी एक अब कोई पीछे की बैक साइड से खिड़की कूद के अंदर आ जाए ठीक है अब एंटर तो दोनों हो गए हैं लेकिन दोनों के एंटर होने में आसमान जमीन का फर्क है सही तो क्या मतलब? वो वाला आदमी है वो बिल्कुल प्रॉपर वे से अंदर आया जो आने का रास्ता है दूसरा आदमी पीछे से कूद के अंदर आया ये चोर है जी। अब चोर और गैर चोर में बुनियादी ये फर्क होता है कि चोर ऐसी जगह से ऐसे रोशनदास से खिड़की से कूद के अंदर आता है हालांकि जो घर का मालिक है वो भी अंदर एंटर ही होता है अब वो चोर का जी यार मैं एंटर ही हूं यार कौन सा मैंने जुर्म किया भाई तू एंटर गलत जगह से हुआ ये तो सिर्फ एंटर हो जाना एंट्री काफी नहीं एंट्रेंस का रास्ता जो किया वो गलत जी जी। अब इख्तियारा हमारा जो तस्वुफ है वह नफसे नहीं इस्लामी तस्वुफ उनका जो गैर इस्लामी तसवुफ़ तो तस्वुफ का रास्ता तो इख्तियारख्तियार किया, इख्तियार किया। लिहाजा वो अल्लाह तबारक वात एक्सेप्टेबल नहीं लेकिन हमने जो तसव् का रास्ता इख्तियार किया वो इस्लामी रास्ते से यानी प्रॉपर वे से इख्तियार किया जो ईमान तोहद और ये रिसालत और वकीदा माद के ऊपर मबरी था तो उस रास्ते इख्तियार किया तो हमने जो है वो सही रास्ते इख्तियार किया तो इसलिए हमारा तो का जव्काबिल अतबार है तो यह मतलब है तो बिल्कुल इसी तरीके से घर के अंदर चोर गलत जगह से दाखिल होता है लिहाजा वो मुजरिम है लिहाजा इसी तरीके ये तस्फ़ के असर रमूज पर बात कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन गलत वे से कर रहे हैं गलत वे से कर रहे हैं जो वे इस्लाम ने दिया जो आखिरी दीन जो आसमानी है दीन इस्लाम उसने जो वे दिया उस वे से नहीं कर रहे हैं भाई यही असल में बुनियादी फ़र्क है कि इस्लामी तस्वु में और इन हिंदवाना या ईसाईत के तस्वुब में ये बुनियादी फ़र्क है और इसी वजह से जो है इस्लामी तस्वु एक्सेप्टेबल है और उनका जो तसव्फ़ है या बुध मत है बुध मत के अंदर की बड़ी मशक़ें हैं लेकिन वो एक्सेप्टेबल इसीलिए नहीं है कि नबी करीम सलीलम ने आके व युक्की हम वुकी का वजीफ़ा जो पूरा किया उस ज़िम्मेदारी के तहत आपने जो असर रमू समझाए हैं वही उसी रास्ते से अब आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी अब वे अगर आप अपना वे रखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है जी जी तो ये फर्क है उन्होंने चूंकि वे गलत रखा तभी वो अल्लाह की मोहब्बत से मरूम रहते हैं अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता और वो अपने जाम में जिसको कुर्ब समझ बैठते हैं तो वो असल में शैतान के तुर्बात होते हैं शैतान के हमले होते हैं शैतान ने उन्हें धोखे में डाल रखा है तभी तो अल्लाह तब तो तबारक बताओ उनको उन्होंने वल्दीन कहा वल्दीन गहरी मकजूबी आलिम वल दोन का तभी तो सुरजुमा फरमाया कि गदे के ऊपर किताबें लाद दें तो फाजिल नहीं हो जाता तो कि इनके ऊपर ओलूम है अहले किताब है ूम इनके ऊपर हैं लेकिन नीचे से गदे के गदे की इसत उनकी ख़त्म हो गई क्योंकि वे गर इख्तियार किया इंसानियत का सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया कि यह सही तरीके से इस्लामी सबों को पा सके अच्छा तभी ये फिर जो है वो अल्लाह को पा नहीं सकते और अल्लाह के कर्बी इनको नसीब नहीं होता अच्छा माशा